जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बंडायू में एक आंगनवाड़ी सहायिका की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। उनकी उम्र 50 साल की थी। पोस्टमार्टम में उनके शरीर में गंभीर चोटें पाई गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम में महिला के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड जैसी भारी चीज डालने की पुष्टि हुई है। बाई पसली, बाई पैर और बाई फेफड़े पर भी वजनदार चीज से हमला करने की बात सामने आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 जनवरी तक टाल दी है। जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसानों की हालत समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विवादास्पद लव जिहाद कानून पर सुनवाई को तैयार हो गया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों राज्यों के कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 4 लाख से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में बर्ड फ्लू से 3,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। नए साल पर देश के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ कोरोना की 2 वैक्सीन मिलने जा रही है, दूसरी तरफ कोरोना को हराने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। मतलब देश में अब तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ और इनमें से 96% लोग ठीक भी हो गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 191 देशों में से 112वें नंबर पर होने के बावजूद भारत दुनिया के टॉप 20 संक्रमित देशों के मुकाबले सबसे तेज रिकवरी रेट रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देश जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टॉप पर है, वे भी पीछे रह गए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी के अफसरों ने लगातार 2 दिन पूछताछ की। बेनामी संपत्ति के मामले में ये पूछताछ की गई थी। वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। वे इस समय अग्रिम जमानत पर है। बिहार के खगड़िया से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर एक शादीशुदा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वायरल वीडियो से संज्ञान में आने के फौरन बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। वीडियो में दिख रहे 5 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आरोपियों ने घटना के 4 महीने बाद वायरल किया। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश भर में पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद से अभी तक सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 5वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बुधवार को कहा कि अभिभावकों की मांग पर राज्य सरकार ने गुरुवार से सभी सरकारी, सेमी गवर्नमेंट और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। देश में मौसम का मिला जुला असर नजर आ रहा है। कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो कहीं भारी बारिश और बर्फबारी के आसार है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं हिमाचल में भारी बर्फबारी के चलते 3 हाईवे समेत 377 सड़कें बंद हो गई है। श्रीनगर में भी भारी बर्फ गिरी। यहाँ एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ जमा हो गई थी, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लगातार ऑपरेशन चलाकर हटाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।